क्या करें जिससे इस देश के अंदर फिर से तरक्की हो, क्या करें जिससे इस देश के अंदर फिर से खुशहाली का माहौल बन जाए, क्या करें जिससे ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, क्या करें? मुझे नहीं पता, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, आप भी अपने विचार बांटिए। हो सकता है हम लोगों के विचार साझा करने से कुछ लोग इस दिशा में सोचने लग जाएं और कुछ लोग इस दिशा में काम करना शुरू कर दें, क्योंकि वर्तमान स्थिति से हम लोग पूरी तरह से खुश नहीं हैं। हम जो चाहते हैं और जितनी तरक्की हम करना चाहते हैं, जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं, वो मंजिल अभी काफ़ी दूर लग रही है। तो उसके लिए क्या करना है? हमारा जो देश का जो मकसद है, हम लोगों का जो मकसद है, हमारे राष्ट्र का जो मकसद है, उसको हासिल करने के लिए एक सोच और एक दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें क्या करना है, मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें जो मैं कहूँ वो आपको ठीक लगे। आपको क्या ज़्यादातर लोगों को लगता है, लगेगा भी शायद, कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, हो भी सकता है, पर मुझे लगता है कि ये मेरे विचार हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करें कि भारतीय दर्शन में जीवन का मकसद क्या है। भारतीय दर्शन में जीवन का मकसद भौतिक प्रगति नहीं है। जीवन का मकसद ये भी नहीं है कि हम इसी एक पर्टिकुलर करियर के अंदर सफलता हासिल कर लें और हमारी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया, एक डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं और हमारी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय दर्शन के अंदर जीवन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया हुआ है। चाहे वो कोई भी दर्शन ले, जीवन का आखिरी मकसद और अल्टीमेट उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य है कैवल्य ज्ञान यानी मोक्ष हासिल करना। मोक्ष यानी कैवल्य ज्ञान जीवन का एक ऐसा पक्ष है जिससे हम इस जीवन के जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। और भारतीय दर्शन में वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी दिखाया हुआ है। कहीं लिखा हुआ है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और कहीं ये लिखा हुआ है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। रास्ते बताए हुए हैं। ये रास्ते वो रास्ते हैं जो हम सबको हकीकत में अपनी ज़िंदगी के मकसद तक ले जाते हैं। भारतीय दर्शन की जितनी स्पष्टता आपको और कहीं शायद ही मिले। और अगर हम इसी दर्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, इसी को आगे विकसित करने का प्रयास करें, तो भारत फिर से पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाएगा, एक आदर्श जीवन शैली का स्वरूप पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? शिक्षा व्यवस्था में ये स्थिति लाने की ज़रूरत है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो पूरी तरह से पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित है और उसी से प्रभावित है, उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। उसमें हमें जो भारतीय दर्शन की आत्मा है उसको हमें डालना पड़ेगा। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच एक कमर्शियल या प्रोफेशनल रिलेशन स्थापित हो जाता है। शिक्षक का उद्देश्य होता है एक व्यक्ति को एक सिर्फ एक स्किल प्रदान करना, एक दक्षता देना, और बस वहीं तक उसका काम होता है। जबकि भारतीय दर्शन के अंदर गुरुकुल व्यवस्था थी, शिक्षण संस्थाओं की ऐसी अद्भुत व्यवस्था थी जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक मेंटर और मेंटी का अद्भुत रिश्ता होता था। माता पिता के बाद अगर कोई अगला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था किसी व्यक्ति के लिए, तो वो गुरुजन होते थे। और गुरुजन सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते थे, जीवन जीने का तरीका बताते थे, जीवन शैली सिखाते थे और आदर्श जीवन का स्वरूप प्रस्तुत करते थे। तो उसी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है। एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही मधुर संबंध में रहें और एक दूसरे को प्रभावित करें। शिक्षक विद्यार्थी को एक आदर्श जीवन शैली का स्वरूप प्रस्तुत करें जिसको पालन करते हुए विद्यार्थी एक बेहतरीन
इंसान बन सके। शिक्षा प्रणाली के अंदर हमें फिर से इन बातों के ऊपर जोर देने की ज़रूरत है कि जीवन का मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन को हमें किस तरह जीना है। भारतीय दर्शन के अंदर ये बात बार बार कही गई है कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को जीतना है, अपनी काम वासनाओं को जीतना है, अपनी इच्छाओं को जीतना है, अपने विचारों को जीतना है। मौन सबसे बड़ी ताकत है, हर व्यक्ति को मौन सीखना है, हर व्यक्ति को एक ऐसी कला सीखनी है जिससे वो अपने अंदर, अपने आप पर, अपने विचारों पर, अपने शरीर पर पूरी तरह से काबू पा सके। और इसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अल्टीमेटली समाधि तक की व्यवस्थाएं दी गई हैं। इन बातों के ऊपर पुनः जोर देने की ज़रूरत है। अभी की जो शिक्षा प्रणाली हमें नज़र आ रही है उसमें दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है, पंप एंड शो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शिक्षण संस्थाएँ पूरी तरह से खुलेआम पंप एंड शो को प्रचारित कर रही हैं, एक ऐसी जीवन शैली को प्रचारित कर रही हैं जिसके अंदर भौतिकता को, दिखावे को बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। हमें पुनः भारतीय दर्शन को अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंदर स्थापित करना है और अगर हर शिक्षक प्रयास करेगा तो हम फिर से एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे जिसके अंदर भारतीय जीवन मूल्यों को पुनः सर्वोत्कर्ष स्थान पर हम स्थापित कर पाएंगे, पुनः एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे जिसमें हर व्यक्ति अपने आप के ऊपर और अपने विचारों पर, अपने शरीर पर अंकुश रखना, संयम रखना, समता रखना, अपने विचारों और अपने व्यवहार पर अंकुश रखना, इसको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। जिस दिन ये व्यवस्थाएं पुनः स्थापित हो जाएगी, यकीन मानिए उस दिन से हमारे देश के अंदर वाकई तरक्की शुरू हो जाएगी। तरक्की कभी भी GDP बढ़ने से नहीं होती, तरक्की तब होती है जब लोगों के अंदर अमन हो, खुशी का माहौल हो, आपस में प्रेम बढ़े, लोगों के अंदर संतोष की भावना हो, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो, लोगों के अंदर अपने परिवार, देश, समाज सबके प्रति एक सुकून की भावना हो, खुशी की भावना हो, प्यार की भावना हो। आर्थिक तरक्की ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आर्थिक तरक्की से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम इस देश के अंदर आध्यात्मिक तरक्की को प्रोत्साहन दें, हम इस देश के अंदर फिर से ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करें जिससे लोग पुनः अपने आध्यात्मिक जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अंगीकार करें, जीवन के मकसद के साथ जीवन को जिएं और जीवन के मकसद को हासिल करें। जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कैवल्य ज्ञान या मोक्ष या इसे आप किसी भी रूप में आप परिभाषित करें, उस स्वरूप तक पहुंच पाएं। आइए आप भी अपने विचार साझा करिए, अगर मेरे विचार आपको ठीक लगें तो मेरे विचारों को आगे भी शेयर करिए, शायद एक और एक 11 हो जाएंगे।